सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो इन आवर लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ना, हम उससे आगे डिस्कस करेंगे अब अपनी इस क्लास में। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव मेनली डिस्कस्ड अबाउट द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन, ओके, ऑफ हाँ। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बाई यूजिंग आवर कंपस, है ना, कैसे मेजर करते हैं, हाउ हाउ वी ओपन आवर कंपस, कंपस को कैसे ओपन करना है। दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, ये हमने डिस्कस किया था, कंपस कैसे ओपन करना है, कैसे उससे मेजर करना है, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने बताया भी था कि अगर एक लाइन है हमारे पास, वी कैन पुट आवर कंपस एट ए पॉइंट एंड अप टू बी पॉइंट वी कैन मार्क, सो वी विल बी गेटिंग ऑफ एनी मेजर, हम किसी भी मेजर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है ये, व्हाट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज वेयर वेयर वी आर हैविंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल हम बनाते हैं ना, दैट मीन्स वट वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर, वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर देयर वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ 90 डिग्री एंगल। ओके, परपेंडिकुलर तो अब देखो परपेंडिकुलर कैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो हम सीखेंगे। देखो मान लो जस्ट वी आर गिवन विद अ लाइन, सपोज आई एम गिवन विद दिस लाइन, ओके, आई विल नेम समथिंग, सपोज आई एम गिविंग दिस लाइन सम नेम ए एंड बी, ओके, दिस लाइन कैन बी ऑफ एनी मेजर, किसी भी मेजर की हो सकती है ये लाइन, दिस ए बी कितनी भी हो सकती है, सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, कैसे, सपोज दिस लाइन ए बी इज गिवन, है ना, ये ए बी लाइन दी हुई है एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर, हमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है, अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ तो देखो, क्या अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, इज दिस 90 डिग्री, वाई, ओके, नाउ नाउ इज इट 90, ये 90 है, यस इट्स कंप्लीटली 90 डिग्री। सो वी हैव टू मेक अ 90 डिग्री एंगल एनी वेयर वेन एवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर, अगर हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, दैट मीन्स वी विल बी डूइंग वट, वी विल बी टेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है, बाई यूजिंग योर प्रोटेक्टर, अगर प्रोटेक्टर से ड्रॉ करोगे ना, बहुत सिंपल है, हाउ यू विल बी ड्रॉइंग, सपोज यू आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, अगर तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वी विल ड्रॉ दिस 90 डिग्री एंगल ना, पहले हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे, वी विल ड्रॉ दिस 90 डिग्री, सो हाउ वी विल बी टेकिंग दिस 90, वी विल पॉइंट, सी दिस इज कंप्लीट 90 ना, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, नाउ वट आई विल डू, आई विल टेक अ रूलर एंड आई विल मार्क इट हियर, ओके, यहाँ से मैं इसको देखो एग्जैक्टली यहाँ से एक लाइन लेके आऊँगा लाइक दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड सी आई हैव गोट अ 90 डिग्री एंगल, मुझे एक 90 डिग्री एंगल मिल गया ना, सो दैट मीन्स वट दिस इज परपेंडिकुलर आई एम गेटिंग ओवर पॉइंट ए, ए पॉइंट पे मुझे क्या मिला है यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर मिल गया। ऐसे ही मैं बी पॉइंट पे भी बना सकता हूँ, देखो इस बी पॉइंट पे अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, सपोज द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन बी पॉइंट, आई विल पुट माय प्रोटेक्टर ऑन बी पॉइंट, बी पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखना है, ठीक है, इधर बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखा, नाउ वट आई विल डू, आई विल मार्क एट 90 डिग्री, सी आई एम मार्किंग एट 90, नाउ वट आई विल डू, आई विल टेक माई स्केल, माई रूलर, रूलर अगेन आई विल टेक एंड आई विल कीप इट हियर एंड आई विल ज्वाइन दैट पॉइंट टू बी एंड सी एट बी ऑल्सो आई एम गेटिंग वट,
बी पे भी मुझे क्या मिल गया है, 90 डिग्री. परपेंडिकुलर ओके, एट बी ऑल्सो आई एम गेटिंग द 90 डिग्री. सो सी, इफ यू आर ड्रॉइंग अ 90 डिग्री एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, बहुत सिंपल है. सपोज एक और पॉइंट लेते हैं. ओके, आई एम टेकिंग वन मोर पॉइंट. मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, दिस इज पॉइंट एम. ठीक है, दिस इज पॉइंट एम. नाउ वट आई वॉन्ट टू ड्रॉ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट एम. एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. वेयर आई विल पुट माई प्रोटेक्टर, एट पॉइंट एम. देखो एम पॉइंट पे रखा मैंने अपने प्रोटेक्टर को. ओके, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करना है. ठीक है, देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैच करना है लाइन से. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली मैच करना है. उसके बाद हम इसको कहाँ पे, 90 डिग्री पे एक मार्क लगा देंगे. वी विल पुट अ मार्क ओवर 90. ठीक है, और अब हम इस प्रोटेक्टर को हटा के किससे, रूलर से, इसको मैच कर देंगे एम पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से. एंड देन वी आर गेटिंग अगेन अ 90 डिग्री एंगल. सी, अगेन आई एम गेटिंग 90, परपेंडिकुलर है ना. तो इस तरह से हम कभी भी 90 डिग्री एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, प्रोटेक्टर. बल्कि प्रोटेक्टर को यूज करके तो हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ एनी एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर ना. देखो लाइन, यस अब मान सर, लो, यस सर, व्हाट आई वांट टू ड्रॉ, सपोज मुझे क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री. ठीक है, या 40 डिग्री. सपोज आई वांट टू ड्रॉ अ एंगल ऑफ 40 डिग्री. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ लाइन. पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा. ठीक है, आई विल टेक अ लाइन हियर. ओके, सपोज फर्स्ट आई विल मेक इट, हाँ दिस विद दिस रूलर ना. इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू यूज दिस काइंड ऑफ रूलर ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे यूज करना टफ होता है, तुम्हारे लिए सिंपल है, यू कैन यूज इट बहुत सिंपली. यस ठीक सर, है, देखो मैं क्या करूँगा, बाई यूजिंग माई रूलर आई विल टेक अ लाइन. ठीक है, एक लाइन ले लिया मैंने. उसके बाद मुझे क्या करना है, आई विल नेम दिस लाइन. मैं इस लाइन का कुछ भी नाम रख दूंगा. ठीक है, आई विल नेम दिस लाइन. सपोज आई एम नेमिंग इट एज ए, दिस वन एज ए, एंड दिस वन आई एम नेमिंग एज बी. आई विल नेम, एंड देन हाउ मच एंगल आई वॉन्ट टू ड्रॉ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ एंगल 40 डिग्री. नाउ द थिंग इज, एंगल 40 डिग्री ड्रॉ करना है, उसको ए पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, बी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि कौन से वाले पॉइंट पे ड्रॉ करना है. सो यू कैन टेक एनी पॉइंट, तुम ए पे कर लो या यस बी पे सर, कर लो. देखो जब मैं ए पॉइंट पे करूंगा तो मैं किस साइड से मेजर करना शुरू करूंगा, देखो इधर से, यहां से मेजर करूंगा मैं. तो कैसे करूंगा, सी जीरो से राइट, इधर इंक्रीज हो रहा है. सी इट इज इंक्रीजिंग 0 to 10, 20, 30 एंड सी इट इज 40. सो आई एम कमिंग इट ऑन दिस पॉइंट. नाउ आई विल टेक माई रूलर. अब मैं रूलर को लूंगा, आई विल टेक माई रूलर, आई विल ज्वाइन दिस टू पॉइंट ए. ए पॉइंट से उसको मैं ज्वाइन करूंगा लाइक दिस. ओके, आई विल ज्वाइन. एंड हाउ मच एंगल आई विल गेट देन, आई विल गेट अ एंगल ऑफ 40 डिग्री. ठीक है, एक एंगल मुझे मिल जाएगा इधर, ये 40 डिग्री. नाउ आई कैन मेजर ऑल्सो, मैं अपने एंगल को मेजर कर सकता हूँ. कैसे मेजर करूंगा, देखो वट आई विल डू, आई विल टेक दिस एंड सी एंगल इज कंप्लीट एग्जैक्ट 40 डिग्री, इट इज कमिंग. ठीक है, सर, तो इस तरह से हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ एनी एंगल ऑफ एनी मेजर, 0 से लेके 180 डिग्री तक हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं बाई यूजिंग वट, अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर को यूज करके एनी एंगल वी कैन यूज. ओके, एनी एंगल वी कैन ड्रॉ बाई यूजिंग अ प्रोटेक्टर. अब देखो, अब हम यूज करेंगे कंपस को. अभी तक हमने प्रोटेक्टर को यूज करके एंगल्स को ड्रॉ करना सीखा है. नाउ वी विल लर्न हाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर वट, कंपस. ठीक है, कंपस को यूज करेंगे. देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपास, आई एम टेकिंग अ लाइन. अच्छा, क्या मैं एक लाइन पे, कैन आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन बाई यूजिंग अ कंपस? यस आई कैन ड्रॉ. कैसे, अगर कभी भी कोई लाइन, सपोज यू आर गिवन विद अ यस लाइन, दिस इज द लाइन यू आर गिवन ए बी, दिस इज द लाइन यू आर गिवन. नाउ यू वॉन्ट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर. ठीक है, तुम इसके ना बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर
करना चाहते हो। देखो एक चीज हम सीखेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। व्हेन वी आर टेकिंग ओनली परपेंडिकुलर, जब हम सिर्फ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली 90 डिग्री एंगल। हम सिर्फ 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, ये हम सीखेंगे अब, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। अब इसमें ना देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या सीखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स अगर तुमने एक लाइन ड्रॉ किया है, सपोज यू आर ड्रॉइंग अ लाइन, देखो ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। सपोज यू आर ड्रॉइंग अ लाइन ए बी ऑफ 10 सेंटीमीटर, ए बी तुमने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, नाउ यू वॉन्ट टू टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, अब तुम्हें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो हाउ यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी परपेंडिकुलर मीन्स बाइसेक्टर मीन्स यू विल डिवाइड, यस यू विल डिवाइड दिस लाइन, तुम इस लाइन को डिवाइड करोगे इन हाउ मेनी पार्ट्स, टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। तो इस साइड में कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, इस साइड भी कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इन बिटवीन कोई एक पॉइंट आ जाएगा, मान लो ये बीच में कोई पॉइंट एम आ जाएगा, दिस एम पॉइंट विल बी देयर, एंड इस एम पॉइंट पे क्या बनेगा, एक 90 डिग्री एंगल भी बनेगा, देन इट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्ट भी हो गया, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट हुए ना, टोटल कितना था 10 सेंटीमीटर, नाउ इट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर भी बन गया, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। लेकिन इसको करना कैसे है, हाउ वी आर ड्रॉइंग इट, कैसे यूज करेंगे इसको। देखो अभी मैंने एक लाइन लिया, मुझे नहीं पता ये लाइन कितने सेंटीमीटर है, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर है, बट आई वॉन्ट कि मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। हाउ आई विल बी डूइंग, देखो पहले जो भी तुम्हारी लाइन है ना, उसके दो पॉइंट्स होंगे ना, टू एंड पॉइंट्स फॉर योर लाइन सेगमेंट, वन इज ए वन इज बी, यस सर, फॉर एवरी लाइन सेगमेंट यू विल बी हैविंग दीज टू एंड पॉइंट्स। व्हाट यू हैव टू डू, पुट योर कंपस ऑन वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पे अपना कंपस रखना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ओपन योर कंपस, उसको ओपन करना है मोर देन हाफ, जितनी लाइन है ना उसके हाफ से ज्यादा ओपन करना है। क्या ये हाफ से ज्यादा ओपन हो गया है, यस यस है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिफ्ट योर पेन कंपस लाइक दिस, उसको लिफ्ट करना है। देखो मैंने ना ए पॉइंट पे ही रखा हुआ है अपना कंपस, मैंने क्या किया, आई हैव पुट इट ऑन ए पॉइंट, ए पॉइंट पे रखा है मैंने, एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मार्किंग एन आर्क, सी व्हाट आई हैव डन, आई एम मार्किंग एन आर्क अबव। देखो द सेम थिंग आई विल बी डूइंग बिलो ऑल्सो, मैं नीचे भी वही चीज करूंगा जो मैंने ऊपर किया है ना, वही चीज मैं नीचे करूंगा, आई विल मार्क एन आर्क फ्रॉम ए पॉइंट हियर ऑल्सो। देखो मैंने ए पॉइंट से क्या किया, वन आर्क अबव वन आर्क बिलो, ओके, नाउ आई विल लिफ्ट माई कंपस फ्रॉम दिस ए पॉइंट एंड पुट इट ओवर बी पॉइंट। अब मैंने क्या किया है, कंपस को ए पॉइंट से उठा के कहां पे रखा है, बी पॉइंट पे, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, फिर से आर्क मार्क करूंगा, एक आर्क ऊपर, वन आर्क हियर, ओके दिस वन सी, एंड वन आर्क हियर, सी द टू आर्क्स आर कटिंग, दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है ना, दे आर कटिंग ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट, इफ दे आर कटिंग वी आर गेटिंग सम पॉइंट, जब वो आर्क एक दूसरे को कट कर रही है तो हमारे पास कोई एक पॉइंट आ रहे हैं, वी आर गेटिंग अ पॉइंट, देखो एक पॉइंट ऊपर मिल रहा है, एक पॉइंट नीचे, आर वी गेटिंग,
अ पॉइंट. यस सर सो व्हाट वी नीड टू डू इफ वी आर गेटिंग अ पॉइंट, दैट मीन्स वी नीड टू मैच दीज पॉइंट. हमें इन पॉइंट्स को मैच करना है बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन. एक डॉटेड लाइन से यूज करना है. कैसे करना है देखो, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन, ठीक है. सी दिस वन, ठीक है. एक ओके डॉटेड सर लाइन से, कंप्लीट लाइन मैंने नहीं लिया, आई एम यूजिंग अ डॉटेड लाइन, ठीक है. मैंने एक डॉटेड लाइन, एंड देखो डॉटेड लाइन से अब देखो हम लोगों को क्या मिला. वी आर गेटिंग अ 90 डिग्री एंगल. आर वी गेटिंग अ 90? करेक्ट, वी आर गेटिंग. दैट मीन्स वी हैव गॉट द परपेंडिकुलर. हम लोगों को ये क्या मिल गया, वी हैव गॉट द परपेंडिकुलर. और क्या ये बाइसेक्ट हो गया है? इज दिस पी पॉइंट आई एम गेटिंग, क्या मैं जो यहाँ पे पी पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, इज इट बाइसेक्टिंग? देखो यहाँ पे मुझे एक पी पॉइंट मिला है. विच वन? दिस वन. हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ए से लेके पी पॉइंट तक कितना है और पी से बी तक कितना है, बाय यूजिंग आवर रूलर. रूलर को यूज करके हम चेक करते हैं. ओके, मैं रूलर को यूज करता हूँ अपने इधर, ठीक है. तो अब चेक करते हैं, देखो ए टू पी चेक करो. ए टू पी कितना है, हाउ मच इज इट? 4.5, ठीक है. ए से बी तक कितना है? 4.5. नाउ वी विल चेक फ्रॉम इट. यस, इट इज ऑल्सो 4.5. सो दैट मीन्स वट? वी हैव बाइसेक्टेड आवर लाइन. हमने लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट. हमने जो अपनी लाइन बाइसेक्ट की है ना, इट इज बाइसेक्टेड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है. तो ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है ना, हाउ टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर देखो साथ में बन गया, दोनों चीजें साथ में होती हैं. परपेंडिकुलर भी बन गया एंड बाइसेक्टर भी बन गया, दोनों चीजें साथ में, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, अच्छा एक आई एम हैविंग वन क्वेश्चन. इफ वी आर हैविंग अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, हमारे पास एक लाइन है 10 सेंटीमीटर. सपोज आई विल ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं. क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है. सपोज दिस इज द लाइन आई एम हैविंग, आई विल ड्रॉ इट 10 सेंटीमीटर बाय यूजिंग माय एग्जैक्टली. ओके सी, एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर लाइन है ना, दिस वन. यस सर. नाउ सपोज आई एम नेमिंग दिस, मैं इसका नाम रख देता हूँ ए एंड दिस वन इज बी. नाउ वट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन फोर पार्ट्स. हमें ना फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. कितना? फोर इक्वल इक्वल पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करना है. वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन. अच्छा एक चीज तुम लोगों को पता है, यू नो वन थिंग, इफ वी आर हैविंग अ लाइन, हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाई यूजिंग वट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करके कर सकते हैं ना टू इक्वल पार्ट्स. सो दैट मीन्स वट? पहले हम इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं मैं इसका. हाफ से ज्यादा ओपन करना है, ठीक है. हाफ से ज्यादा, देखो हाफ से ज्यादा है ना, ये तुम लोगों को पता लग जाएगा इफ इट इज हाफ, मोर देन हाफ और नॉट. तो अब क्या करना है, एक आर्क इधर ऊपर यूज करेंगे एंड देन एक आर्क नीचे यूज करेंगे. यस सर. ठीक है, लाइक दिस. देन अब इसको कंपास को कहाँ पे लिखना रखना है, उठा के बी पॉइंट पे. बी पॉइंट पर. ओके, देन वन आर्क अबव, यहाँ पे एक आर्क यूज करेंगे विच विल कट द फर्स्ट आर्क. देन एक आर्क नीचे यूज करेंगे विच विल कट द सेकेंड आर्क. नाउ वट वी हैव टू डू, वी विल ज्वाइन दीज टू आर्क. जो आर्क के पॉइंट्स है ना, दीज टू आर्क पॉइंट, वी विल ज्वाइन देम बाई यूजिंग आवर रूलर. रूलर को यूज करके हम उसको ज्वाइन कर लेंगे फ्रॉम दिस वन टू. देखो कैसे रूलर को यूज करते हैं हम अपने, ठीक है. हाँ सपोज दिस इज, नाउ वट आई विल डू, आई विल ज्वाइन दिस टू बाई यूजिंग माई रूलर, ठीक है. मैं अपने रूलर को यूज करूंगा. एंड हाउ आई हैव टू यूज, कैसे यूज करना है मुझे? By using dot line, dotted line. Yes, correct. Dotted line. I will be using dotted line. See.
लेकिन ये याद रखना है थोड़ा सा इस लाइन पे जरूर कट कर दे वो, ठीक है? ऐसा नहीं कि डॉटेड लाइन को उसके ऊपर से पास कर दिया। देखो डॉटेड लाइन से यूज कर दिया मैंने। नाउ देखो अभी मेरे पास व्हेन आई वाज हैविंग दिस लाइन ए बी, ए बी 10 सेंटीमीटर था ना, टोटल 10 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। बट हाउ मेनी पार्ट्स आई रिक्वायर, मुझे कितने पार्ट्स चाहिए? फोर सो आई विल नेम दिस पॉइंट सी, मैं इस वाले पॉइंट को सी नाम रखूंगा। नाउ आई विल, व्हाट आई विल डू ना, मैं अपने कंपस को ए पॉइंट पे रखता हूँ एंड ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूंगा। आई विल डू व्हाट, आई विल बाइसेक्ट ए सी, मैं ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ए सी को बाइसेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इतना तो ए सी क्या है, कंप्लीट, इट इज कंप्लीट, ऑलमोस्ट इतना हाफ, तो हमें कितना ओपन करना होता है? हाउ मच वी हैव टू ओपन? मोर देन हाफ से हाफ, तो थोड़ा ज्यादा। हाँ मोर देन हाफ। अब हम क्या करेंगे, वन आर, ओके वेट, पहले मैं इसको मोर देन हाफ ओपन कर लिया, ठीक है? अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, आई विल पुट एन आर्क हेयर लाइक दिस, ठीक है? देन आई विल पुट वन आर्क वेयर बिलो, नीचे भी एक आर्क लगानी है ना, ओके? देन आई विल पुट एन आर्क हेयर ऑल्सो, आर्क छोटी बड़ी लगा सकते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई विल पुट माई कंपस ओवर सी पॉइंट, सी पॉइंट पे मैंने कंपस रखा, नाउ वेयर आई एम पुटिंग द आर्क? सी, दिस आर्क इज कट एंड देन बिलो ऑल्सो, नीचे भी लेके आना है, नीचे इधर इसको भी कट करेंगे, दिस इज कट। सो एंड सेम थिंग वी विल डू विद बी सी ऑल्सो, बी सी के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है? बी सी के साथ करते हैं, वन आर्क हियर लाइक दिस, ओके? देन वन आर्क बिलो, हाँ वन आर्क बिलो हियर लाइक दिस। नाउ वी विल पुट ओवर बी, अब हम कहाँ पे रखेंगे? एट पॉइंट बी, ओके? एंड बी से हम इन आर्क को क्या करेंगे? कट। आई हैव कट दिस वन, देन आई विल टेक इट अबव एंड आई विल कट दिस वन। नाउ व्हाट आई विल डू, देखो ध्यान से समझना। अब आई विल टेक माय रूलर, आई विल जॉइन दीज टू, इन दोनों को जॉइन करूंगा फर्स्ट, ओके? नाउ विद डॉटेड लाइन, अगेन विद डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। देखो अब मेरे पास ये भी हो गया है ज्वाइन, अब किसको ज्वाइन करना है? इन दोनों को, बी अगेन विद डॉटेड लाइन, ओ सॉरी स्केल अट गया। सर आर्क को खोलने के लिए कितना का पच? बेटा हाफ से ज्यादा ओपन करना होता है, वही मैंने बताया ना, हाफ से ज्यादा, ठीक यस है? अब देखो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया डी और एक पॉइंट आ गया मेरे पास ई। अब ध्यान से एक चीज देखना, इसमें बहुत जरूरी है। जब मेरे पास स्टार्टिंग में एक लाइन थी ए बी, आई वॉज हैविंग वन लाइन, मेरे पास सिर्फ एक लाइन थी ए बी, है ना? नाउ उस ए बी को मैंने डिवाइड किया है, देखो कितने पार्ट्स में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ फोर्थ पार्ट। सो ए बी आई हैव कंप्लीटली डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? फोर फोर पार्ट, इक्वल ओके? एंड पार्ट, फोर पार्ट्स आर इक्वल, ऑल पार्ट, फोर पार्ट्स आर इक्वल। इक्वल कैसे चेक कर सकते हैं? देखो हम अपने रूलर से मेजर करके चेक कर लेंगे, है ना? हम अपने रूलर से चेक करेंगे इजली। देखो यस सर, सबसे पहले हम ए से लेके डी तक मेजर करेंगे, हाउ मच वी आर गेटिंग ए टू डी? 3.5, 2.5, 2.5, ए टू डी चेक करो 2.5। नाउ आई विल चेक फ्रॉम डी टू सी, अगेन आई एम गेटिंग हाउ मच? 2.5, 2.5। नाउ सी टू ई आई विल चेक, हाउ मच आई एम गेटिंग? अगेन 2.5, एंड देन ई टू 2.5। सो एवरी पार्ट आई एम गेटिंग इक्वल, मेरे पास सारे पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, आई कैन डिवाइड अ लाइन इन टू पार्ट्स, फोर पार्ट्स, सिक्स पार्ट्स, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ बाई यूजिंग वर्ट, क्या यूज किया मैंने? परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर, बस ये याद रखना, हाउ टू ड्रॉ अ यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इस पूरे को अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल, कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल, एंगल को कैसे बाइसेक्ट। देखो सपोज आई एम ड्रॉइंग एन एंगल, मेरे पास एक एंगल है यहाँ पे, देखो ये वाला कितने डिग्री है, सर, चाकू 60 डिग्री। सर वाइजेस्ट देखो यस सर दैट मीन्स इट विल बी 30 एंड इट विल बी 30। अब हम सीखेंगे कि कंपस को यूज करके सर बाइसेक्ट कैसे करना है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन एंगल, हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं बाय यूजिंग आवर प्रोटेक्टर, ठीक है। दिस इज नाउ हाउ मच यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ, जितना भी ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। सपोज यू वॉन्ट टू ड्रॉ 50 डिग्री, तुम्हें करना है 50 डिग्री, तो 50 कहाँ पे है, इधर है, दिस वन, ओके। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ पॉइंट एंड देन यू कैन ज्वाइन, तब तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो इधर, एंड सी दिस एंगल यू विल बी गेटिंग इज व्हाट, 50 डिग्री। मेजर कर सकते हो, देखो तुम्हारा जो एंगल ड्रॉ किया है ना मैंने, कितने डिग्री का ड्रॉ किया है, 50 डिग्री एंगल। 50 डिग्री बट हम लोगों को क्या सीखना है, वी हैव टू लर्न कि हमने जो ये 50 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है ना, ये 50 डिग्री वाला, इसको हम बाइसेक्ट कैसे करें, हाउ टू बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, तो एंड बाय यूजिंग यस व्हाट, कंपस। हम प्रोटेक्टर को यूज नहीं कर सकते, प्रोटेक्टर हमने यूज किया, यस वी हैव यूज्ड प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एंगल, एंगल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर यूज किया, बट नाउ वी विल बी यूजिंग आवर कंपस टू बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट करने के लिए कंपस यूज करेंगे। हम इस एंगल का कुछ नाम रख देते हैं, ए बी बी सी, ये एंगल है हमारे पास, ठीक है। एंगल ओके ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है, 50 डिग्री। हाउ टू बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, कैसे बाइसेक्ट करने, देखो हम पहले यूज करेंगे अपना कंपस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई विल डू, मैंने कंपस को किस पॉइंट पे रखा है, एट पॉइंट बी, जहाँ पे एंगल बना है ना, एट दैट बी पॉइंट यू विल कीप योर कंपस। नाउ इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, एंड सर आधा से कितना, थोड़ा कम नहीं सर कितना भी कर सकते हो, यू कैन ओपन एज मच यू वॉन्ट, जितना भी चाहते हो उतना कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने लाइन बाइसेक्ट करना था तब हमने क्या किया था, मोर यस देन हाफ, मोर देन हाफ लेकिन यस अभी सर तुम कितना भी कर सकते हो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। ओके सर अब मैंने इसको ओपन किया, वट आई विल डू, आई विल पुट इट ओवर बी एंड आफ्टर ओपनिंग आई विल मार्क एन आर्क, मैं एक आर्क मार्क करूंगा, एंड दिस आर्क विल कट बोथ रेज, दोनों रेज को कट किया है इसने, कौन कौन सी रे को कट किया है, ए बी वाली को भी और सी बी सी वाली को भी। सी देखो समझा ना, हमने क्या किया है, अपने कंपस को ओपन किया एंड हमने एक बी पॉइंट पे रख के वी हैव पुट एन आर्क, एक आर्क पुट किया एंड इट इज कटिंग दिस बी ए एंड बी सी दोनों को। नाउ आई विल लिफ्ट माई कंपस फ्रॉम दिस पॉइंट, आई विल पुट माई कंपस ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इट कट ऑन बी सी, जहां पे उसने बी सी को कट किया था, ठीक है। एंड आई विल पुट एन आर्क इन इन बिटवीन, मैं बीच में एक आर्क लगा रहा हूँ, देखा मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे रखा है, एक बीच में आर्क लगाया, अब उसको बी ए वाले पॉइंट पे रखना है और उस आर्क को क्या करना है, कट करना है, एंड यू विल कट इट, ओके। नाउ कंपस वर्क इज ओवर, अब क्या करना है, यू हैव टू टेक योर रूलर, रूलर को उठाना है और बी पॉइंट से उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैच करना है, टू दिस बी पॉइंट यू विल बी मैचिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज देयर, दिस वन,
ओके एंड जस्ट मैच इट विद बी पॉइंट. देख रहे हो? हाँ, वन मोर थिंग, कैसे मैच करना है? बाय यूजिंग डॉटेड लाइंस. डॉटेड लाइंस, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट. और ये एंगल हो गया है बाइसेक्ट. अब देखो मेजर करके देखते हैं क्या ये बाइसेक्ट हुआ. चलो मेजर करते हैं. देखो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, 20 के बाद चेक करो, 20 25. और देखो उसके ऊपर वाले को भी मेजर करते हैं. देखो जा रहा है 25 पे. यस, सो दैट मींस व्हाट, वी हैव बाइसेक्टेड द एंगल. हमने एंगल को बाइसेक्ट किया बाय 25 डिग्री. 25 डिग्री बाय यूजिंग, क्या यूज करके किया? कंपास. बाय यूजिंग आवर कंपास. व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाय यूजिंग कंपास. Using compass, compass को use. Yes, sir. Using compass, draw an angle. Draw an angle. Compass को use करके angle draw करना सीखेंगे अब हम. ठीक है, सबसे पहली चीज वो देखो. द फर्स्ट थिंग, द एंगल यू आर ड्रॉइंग विद कंपस, जब तुम कंपस से एंगल ड्रॉ करोगे ना तो सभी एंगल्स पॉसिबल नहीं होते हैं. ध्यान से समझो, मैंने बोला है कि देखो प्रोटेक्टर से जब हम ड्रॉ करते हैं ना, प्रोटेक्टर से बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर वी कैन ड्रॉ 10 डिग्री, 20, 30, 40, 15 डिग्री, 75 डिग्री, एनी एंगल वी कैन ड्रॉ बाय यूजिंग व्हाट, अ प्रोटेक्टर. एक प्रोटेक्टर यूज करके बहुत सिंपली हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम एक प्रोटेक्टर को ध्यान से देखोगे, देखो इसमें क्या क्या होता है. इसमें होता है 0 डिग्री, है ना, देखो 0, 10, 20, 30, 50, एवरी एंगल इज देयर, 32 डिग्री, 35 डिग्री, एनी एंगल यू कैन ड्रॉ बाय यूजिंग योर प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर यूज करके तो तुम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, कंपस, तो कंपस से जो एंगल ड्रॉ होगा ना, कौन सा एंगल ड्रॉ होगा, द एंगल दैट इज डिविजिबल बाय 15, जो 15 से डिवाइड हो सकता है ना, दैट एंगल ओनली वी कैन ड्रॉ विद कंपस. हम वही ड्रॉ कर सकते हैं कंपस से. अच्छा क्या 40 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा कंपस से? यू विल से नो. व्हाई? क्योंकि 40 को हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते. अच्छा 45 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा? यस. यू विल से यस. व्हाई? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 15 के टेबल में आता है. दैट आर डिविजिबल बाय 15, जिसको हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं ना, वो एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं. क्या 60 ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर. यस, बिकॉज 15 4 जा 60. क्या हम 70 ड्रॉ कर सकते हैं? नो सर. बट कैन वी ड्रॉ 75? यस सर. सो दैट मींस व्हाट, सिंपल. देखो Now just you need to see some simple things. We can draw 15 degree, 30 degree, 45 degree, then 60 degree, then 75 degree, then 90 degree, then 105 degree, then what? 120 degree, then 135 degree. Then 150 degree, yes, then 165 degree, then 180 degree. All these angles, देखो ये सभी क्या है, 15 15 के टेबल में ऐड होता जा रहा है, 15 15 ऐड होता जा रहा है. All these angles we can draw by using our compass. Compass को यूज करके हम ये सभी एंगल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लो. वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ एन एंगल, जब भी तुम एक एंगल ड्रॉ करोगे बाय यूजिंग अ कंपास, इट शुड बी डिविजिबल बाय 15 से डिवाइड होना चाहिए.
ठीक है। नाउ अब हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ वी विल बी ड्रॉइंग। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैं सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ सम एंगल्स, मैं कुछ एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आई एम टेकिंग अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट चाहिए तुम लोगों को, इफ यू आर ड्रॉइंग एनी एंगल ना, कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले कोई भी क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक रे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। देखो पी क्यू, अब इस पी क्यू पे ना आई हैव टू ड्रॉ एंगल बाय यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग कंपस। ओके, आई एम पुटिंग माय कंपस ओवर पॉइंट पी। अब मैं क्या करूंगा ना, कंपस को पी पॉइंट पे रख के उसको कितना भी ओपन कर सकते हो, यू कैन ओपन इट हाउ मच यू वॉन्ट, जितना मर्जी ओपन कर लो, लेकिन ज्यादा नहीं करना। देखो अगर ज्यादा ओपन करोगे ना, देखो तुम समझो इतना ओपन कर लो इतना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा उसको ओपन कर लो, सपोज आई एम ओपनिंग इट दैट मच, इतना ओपन किया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट रोटेट इट, और ये क्या बन जाएगा पूरा एक सर्कल। अच्छा कोई मुझे बताएगा एक सर्कल में टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री। टोटल हमने अभी जो एंगल ड्रॉ किया है वो कितने डिग्री का किया है, 360 डिग्री। समझो बेटा ध्यान से, बस 360 डिग्री ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो तुम्हारा कंपस चेंज नहीं होना चाहिए, कंपस एक बार जितना ओपन किया उतना ही रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, चेंज नहीं करना है। Now you will put your compass over another point. अब तुम अपने compass को क्या करोगे? Where you will put? You will put your compass over point this one. जो कट हुआ है ना ये, इधर put करेंगे। देखो अब क्या होगा, तुमने compass इधर put किया। Now you can mark one arc. तुम यहाँ पे एक arc mark कर सकते हो। Then you will put your compass over this point. ठीक है, कंपस को उस पॉइंट पे रखा, यू कैन मार्क अनदर आर्क। देन यू विल पुट योर कंपस ओवर दिस पॉइंट, यू कैन मार्क अनदर आर्क। ओके, देन यू कैन पुट योर कंपस ओवर दिस पॉइंट, यू कैन मार्क वन मोर आर्क। समझ रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूं, एक एक करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। सी दिस वन, आई एम पुटिंग माई कंपस ओवर दिस वन, so that means what, I can mark one more arc like this. Total how many parts, in how many parts I have divided this one, in how many parts I have divided, just check this thing. Six parts. देखो this is the first, this is the first part, second part, then third part, then fourth part, and then fifth part, and then sixth part. I have divided this complete circle in six part. So that means what? Total it is 360 degree. So one part will be of how many degree? We will divide by six. So 6 1 ja 6 6 ja. That means what? One part is of how many degree? 60 degree. I am getting one part of how much degree? 60 degree. That means what? If I'm using this ruler there to join my point P, P point को अगर मैं ruler use करके, suppose I'm using it like this, like this, okay? I'm using this one. P point को मैं अगर first वाले point से join करूँगा, first वाले से, how much angle I will get? कितना angle मिलेगा? 60 degree. Yes, it will be of 60 degree, correct. It will be of 60 degree I will get. So, I will do what? I will take it like this. So, that means what? I have got 60 degree angle. Sir? ये वाला समझ आया, हाउ टू ड्रॉ अ 60 डिग्री। देखो हमने इसको डिवाइड किया था सिक्स पार्ट में, देन आई एम टेकिंग अ लाइन, तब मैंने एक लाइन यहाँ से लेके गया मैं, आई एम टेकिंग दिस लाइन थ्रू दिस 60, दैट मीन्स व्हाट, आई एम गेटिंग अ 60 डिग्री एंगल। आई कुड हैव टेकन दिस लाइन, मैं इस लाइन को ना इधर से, सपोज व्हाट आई एम डूइंग,
आई कुड हैव टेकन दिस थ्रू दिस पॉइंट, देन ये कितना बन जाता 120। अगर मैं फर्स्ट वाले से लेके जा रहा हूँ 60, 120, दैट मीन्स वट इन बिटवीन 60 एंड 60 एंड 0, 6, देखो ये वाला कितना है इधर, हाउ मच इज दिस वन, 0, एंड हाउ मच इज दिस वन, 60। सो इफ आई एम बाइसेक्टिंग 0 एंड 60, अगर मैं 0 और 60 को बाइसेक्ट कर दूंगा, हाउ मच आई विल गेट, 30 degrees। सो यू नो एंड यू नो दिस थिंग, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल, हाउ टू बाइसेक्ट इट। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट आवर कंपास ओवर दिस एम पॉइंट एंड वी विल मार्क एन आर्क हियर, एक आर्क हम इधर लगाएंगे, ओके, लाइक दिस, देन वी विल पुट आवर कंपास ओवर दिस पॉइंट एंड वी विल कट दिस आर्क, ओके। सो दैट मीन्स व्हाट, हाउ मच एंगल आई विल गेट इफ आई विल जॉइन, इफ आई विल जॉइन दिस पी पॉइंट to this one, how much I will get? 30. तो सबसे important, the most important thing is what? Most important क्या है? If I know how to draw an angle of 60 degree, अगर मुझे 60 degree angle draw करना आता है, then I can draw 30. तो मैं 30 draw कर सकता हूँ ना? I can draw 30. अच्छा, एक चीज देखो, अगर मैंने यहाँ पे देखो, इफ आई एम राइटिंग 15, देखो ये सबसे पहले तो 0 degree आता है, ठीक है। अब देखो 0 और 60 के बिल्कुल बीच में क्या आ रहे हैं, वट इज देयर इन बिटवीन 0 एंड 60, आई एम टॉकिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन, बिल्कुल बीच में कौन से वाला है, 30. That means what? देखो जब मैंने 0 को और 60 को bisect किया, when I have bisected 0 and 60, तो मुझे कौन से वाला एंगल मिला था अभी, 30. और अगर मैं अब 0 और 30 को भी, see, if I will bisect 0 and 30, 0 और 30 को bisect करूंगा तो मुझे sir, क्या मिल जाएगा? सर आपका वाइस ट्रक हो रहा है सर। If I will bisect, if I will bisect 0 and 30, हाँ यही तो सीखना है। देखो अगर मैं, if I want to draw 15 degree angle, अगर मुझे 15 degree draw करना है, direct तो मैं draw नहीं कर सकता, पहले मुझे 60 draw करना पड़ेगा, फिर 0 और 60 को bisect करके what I will draw, 30, and then 0 and 30 I will bisect and how much I will get, 15. Okay, so see, now what I will do here, see, suppose this angle I am having, मेरे पास इधर एक angle है, ये वाला angle कितने degree का है, ये जो नीचे मैं angle बना रहा हूँ, this one, how much is it, 30, okay, so if I want an angle of 15 degree के लिए मुझे किसको करना पड़ेगा, 0 पे रखना पड़ेगा, 0 पे रख के एक arc लगानी पड़ेगी ना, Yes, sir. I have to put an arc. और थोड़ा सा और. हाँ, I have to put an arc here. मेरे पास एक arc इधर लगाना पड़ेगा. And then one arc from where I will put? I will put from 30. 30 वाले से एक arc लगाएंगे. Okay, this one I will be putting. तो अब मेरे पास जो angle बनेगा, the angle that I will get, जो एंगल अभी मुझे बनेगा, देखो यहां से फ्रॉम पी पॉइंट टू दिस न्यू आर्क इफ आई एम जॉइनिंग, देन द एंगल विल बी ऑफ हाउ मच डिग्री, 15 degree. देखो सबसे, अब पता है सभी स्टेप्स को ध्यान से समझो, फर्स्ट वी हैव ड्रोन 60 degree, पहले हमने 60 ड्रो, पहले तो कंप्लीट सर्कल ड्रो किया, कंप्लीट सर्कल में से हमें क्या मिला, वी हैव गोट 60 degree, देन 60 वी हैव बाइसेक्टेड, हाउ मच आई हैव गोट, 30 degree, ओके, देन 30 आई हैव बाइसेक्टेड, हाउ मच आई हैव गोट, 15 degree, ओके। नाउ द थिंग इज, इफ आई वांट एन एंगल ऑफ, सपोज हाँ दिस वन, इफ आई वांट एन एंगल ऑफ 45 किस किस के बीच में आएगा, 45 इफ आई वांट बिटवीन 30, yes, I am getting between 30 and
60. ओके, बिटवीन 30 एंड 60 आई विल गेट हाउ मच? आई विल गेट 45. सो वेयर इज सी, वी विल लुक फॉर द 60. क्या मेरा कंपस 60 वाले एंगल पे है अभी? नो. यस सर. नो, ये वाला 30 वाला है बेटा, दैट इज 31. यस सर. यस सर. व्हाट आई विल डू, आई विल पुट माय कंपस ओवर 60. 60 वाले पे रखेंगे. आई विल पुट एन आर्क, आई विल मार्क एन आर्क हियर. ओके, मैं एक आर्क इधर लगाता हूँ. सपोज दिस इज द आर्क. नाउ आई विल पुट एन आर्क फ्रॉम 30. अब मेरा कंपस 30 वाले पे है ना. आई विल पुट एन आर्क हियर. यस सर. सी, एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन इट टू पॉइंट पी. सो दिस इज पॉइंट पी आई एम जॉइनिंग. ओके, नाउ सी, अब एक एक करके ध्यान से देखो. सबसे पहले ये वाला एंगल हमने ड्रॉ किया था, कितने डिग्री था? 60. देन हमने कौन से वाला एंगल ड्रॉ किया? दिस वन. ये कितना था? 30. थर्ड हमने कौन सा किया? 0 और 30 को बाइसेक्ट करके दिस वन इज 15. फिर हमने क्या किया? 30 एंड 60, वी हैव बाइसेक्टेड 30 एंड 60, एंड हाउ मच वी हैव गॉट? 45. सो लाइक दिस, इस तरह से तुम लोगों को एंगल्स ड्रॉ करना है. लाइक दिस यू विल ड्रॉ द एंगल्स, यू विल बाइसेक्ट द थिंग्स, यू विल ड्रॉ द एंगल्स. बाइसेक्ट कर करके ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, हम बाइसेक्ट करेंगे एंड वी विल ड्रॉ सम एंगल्स.